हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंजर्स किचन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि है रुमाली रोटी। बहुत ही इजी और सिंपल वे में बनाना बताया है, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम 1.5 कप घी का आटा लेना है और 1/2 कप मैदा लेना है, और किसी बड़े बाउल में लेना है क्योंकि मिलाने के लिए आसानी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसमें 1/2 चम्मच नमक भी डालना है, जैसे कि आप सबने देख लिया है। और ये बॉल कुछ इस तरीके से रहना चाहिए कि आपको मिक्स करने में आसानी हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी शक्कर 1 चम्मच और 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। और 1 चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर बॉल्स ना बन जाए। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मम्मा अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। और आप कमेंट कर भी बताना आप जब ये रेसिपी बनाओगे तो कैसी बनी है। और इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो मिल्क, जो कि मिक्स करते वक्त थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, जैसा कि देख सकते हैं आप वीडियो में। इसको अच्छे से मिक्स करना है और एक डो के फॉर्म में लाना है। कुछ इस तरीके से आटे की मालिश करना चाहिए क्योंकि रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है अच्छे से मालिश होने के बाद। और ऐसा डो बना लीजिए। डो अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद उसको थोड़ा सा तेल लगाकर कच्चे कपड़े में 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दीजिए। 1 घंटे के बाद ये आटा कुछ इस तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, देखिए। आटा जो कि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, और हमने ये थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लिया है। उसके साथ थोड़ा नमक और शक्कर भी लिया है और तवे को गर्म होने के लिए गैस पर भी रख दिया है। ये जो रुमाली रोटी है आप इसको नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं आपके घर पर। और तवे पे डालने के लिए ये नमक का पानी ले लिया है। आप अपने हिसाब से पेड़े बनाइए रुमाली रोटी के लिए, आपको बड़ी पसंद है या छोटी पसंद है आप आपके हिसाब से बनाइए। और देखिए मम्मा ने कुछ इस तरीके से इस रोटी को अच्छे से बेल लिया है। और इस रोटी को अच्छे से बेलने के बाद कुछ इस तरीके से हाथ से भी थोड़ा बड़ा कर लेना है, जैसा मम्मा ने किया है आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो तवा हमने गरम करने के लिए रखा था उस पर हम नमक का पानी डालेंगे जो हमने बनाया था। फिर उसके बाद हम उस पर ये रुमाली रोटी डालेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और रोटी को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और इसको दोनों साइड से अच्छा से सेक लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मम्मा ने सेक लिया है अच्छे से। और इसको इस तरीके से कपड़े से भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इसको थोड़ी देर बाद खाना है तो आप सिल्वर पेपर में भी इसको रैप करके रख सकते हैं। और आपको अगर इंस्टेंट खाना है तो आप वैसे ही टेबल पे सर्व कर सकते हैं, डिनर टेबल पे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो घर पर बनाकर ट्राई करिए और हमें कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।